मेरा ना पीपल फार्म चलाते हुए जो गाना फेवरेट हो गया ना वो है चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, क्योंकि लाइफ ठीक चल रही थी लेकिन तरबूज के डॉक्टर का फोन आया कि अब तरबूज एग्रेसिव हो गया है, उसको एक मैगेट वुंड हो गया है, बड़ा इन्फेक्शन है, हाथ नहीं लगाने दे रहा। कल शाम में एक भारी भरकम बैल हमारे पास आया, इसका एक सींग टूटा हुआ है। वी आर नॉट श्योर कि इसको एक्सीडेंट हुआ या कहाँ इसको लगी, पर ये चार्ज हो रहा था और मेरी तरफ आ रहा था मुझे मारने के लिए, शायद ये डरा हुआ है। इस बैल के लिए हमें काफ़ी टाइम पहले केस आया था, हम दो तीन बार गए, ये बैल पकड़ में नहीं आया और उसके बाद हमारे जो भी पेंडिंग केसेस होते थे रेस्क्यूज तो आते ही रहते हैं, इस वजह से हम उसको ले नहीं पा रहे थे। और अब जब जगह हुई तो हमने इस बैल को कल जाके रेस्क्यू किया इवनिंग में, और डार्ट गन यूज़ करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बैल है। हम धनोटू वासियों को ना ये नैनीताल, झुमरी तलैया, नाइग्रा फॉल्स जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ बारिशें होती हैं तो ऐसी ज़बरदस्त भयंकर बारिशें होती हैं कि सब कुछ हमें यही मिल जाता है। वो कहते हैं ना व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, बस वही हाल है यहाँ पे। अगर आपको मैक्सी याद होगी जो ओडर से आई थी, वो यहाँ पे आई थी स्किन इन्फेक्शन की वजह से। कल दोपहर में इसकी तबीयत ख़राब हो गई, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट था हीट स्ट्रोक के हिसाब से हमने इसको दिया था, लेकिन आज सुबह से इसका कंडीशन देख के इसे रेबीज भी हो सकता है, पर हम अभी भी श्योर नहीं है क्योंकि मैक्सी वैक्सीनेटेड थी, पहले कभी उसने ऐसे कोई सिम्टम्स शो नहीं किए, बहुत टाइम से ये हमारे पास थी। रेबीज़ का कितना टाइम पीरियड होता है जिसमें रेबीज़ दिखता है? ये जो वायरस है ये नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता है ब्रेन तक, अगर पोस्टीरियर पार्ट में बाइट किया होगा उस वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, अगर बाइट कान के पास या नेक में है ब्रेन तक पहुंचने में समय कम लगेगा, साइट ऑफ बाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आए हैं सुरीली के घर पे, अब कमल भाई का कम है ये घर और सुरीली का ज्यादा है। सुरीली ने फार्म पे आना जाना शुरू कर दिया है लेकिन क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, बारिश है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, जिस दिन बारिश हो उस दिन इसको फार्म पे लेके आना। सुरीली ने दोस्त भी बना लिए, तो ये लता के पपीज हैं, फैंटा, मिरिंडा, कोला, कंचा। कोई इसे ज्यादा इरिटेट करता है जैसे ही कोई, तो उसको एक किक मार देती है पर प्यार से। आई थिंक हम सबके लिए भी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, जैसे सुरीली ने की है, और एनिमल्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से आता है बाउंड्री सेट करना, बट इसने मेरे साथ कोई बाउंड्री नहीं रखी। रियली? ये थोड़ी थोड़ी हिरन के बच्चे जैसी भी दिखती है, इसकी आंखें देखो। काश मैं सुरीली को ये बता पाती कि उसे कितना प्यार मिल रहा है आप सभी से। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सी की कल से तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको आईवी फ्लूइड भी चढ़ाए, जिस क्रेट में उसको रखा था वो उस क्रेट को खाने शुरू हो गई थी, काटने शुरू हो गई थी। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो एक रेबीज डॉग के होते हैं, वो ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर पाई उसके बाद, बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब थी ही कल से। जब अडॉप्शन होती है जाहिर सी बात है मैं खुश होता हूँ कि भाई उस एनिमल को अब एक परिवार मिल गया, दूसरा भाई यहाँ पे एक स्पेस बन गया, हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं, पर ऐसे केस होते हैं ना तो मन में एक डाउट रहता है हमेशा। किसी को काटा तो नहीं है आपके घर में? काटा नहीं, वो राने से तो सर वो तो हर डॉग ऐसे करता ही है थोड़ा ट्रीटमेंट के टाइम पे। तरबूज से बहुत लोग कनेक्टेड थे। हे, ये तो पूंछ पूंछ हिला रहा है, काहे का एग्रेसिव। हाय तरबूज, देखा आपने तरबूज कितना एग्रेसिव है। इसके पीनस पे भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वही मेन इन्फेक्शन है सर, पीनस पे इन्फेक्शन रहेगा, उसको कोई साफ करेगा तो गुर्राएगा नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। एक कौन सा डॉक्टर है जो कहता है कि डॉग एग्रेसिव है। थैंक्स, एटलीस्ट आपने इसको वापस ले आया, आपने छोड़ा नहीं। आज तिगड़म फाइनली रिलीज हो रहा है, इसका काफी खतरा था, ये मारता रहता था हमें, इसने दो तीन लोगों को घायल भी किया है। आज हम सुबह सुबह एनिमल एरिया में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि है हमें एक बैल को पकड़ने जाना है जो दो तीन बारिश से हाथ में नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक है, इसलिए लोग सुबह जल्दी जा रहे हैं ट्रैफिक ना हो और उसको पकड़ सके। आज मौसम थोड़ा बेहतर है, बारिश थम गई है, फार्म पे आ गई है सुरीली सुबह सुबह सभी से मिले, तो यूजुअली ये फार्म पे ही रहती है, पर जिस दिन बारिश होती है उस दिन ये नहीं आ पाती यहाँ पे। शिवानी को तो प्यार हो गया इससे, ये दो दिन से नहीं आई थी तो यहाँ पैटियो इनकम्प्लीट सा लग रहा था, आज ही आ गई है और शैतान भी हो गई है, उछल कूद मचाई हुई है इसने। ये बछड़े की बॉडी में एक डॉगी है, जब भी किचन में कुछ बन रहा होता है तो चम्बी और स्पॉट किचन के सामने खड़े हो जाते हैं और एक टक लगा के अंदर देखते हैं कि भाई हमें भी कुछ मिलेगा। सुरीली भी वैसे ही कुछ कर रही है। गरिमा ने हम भी हमारे को ज्वाइन किया है, गरिमा एनिमल एनरिचमेंट हैंडल करेगी, इना नहीं चाहती रवीना कल कर रही है, पर यहाँ पल में दुनिया बदल जाती है, कल की बात करेगी।
और हमारे पास कुछ और पोजीशंस जो है वो हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, एक उसमें किचन मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है एंड पैकेजिंग मैनेजर, इट्स मोर ऑफ अ पैक मैन। बेटी जी बहुत खुश है क्योंकि बेटी जी को अब मैं एनिमल एरिया में कम दिखूंगी। बेटी जी कोई बात नहीं, तुम्हारा सर खाने तो मैं आऊंगी, तुम्हारी हरकतें तो दिखनी चाहिए ना दुनिया को कि क्या हो तुम असलियत में। डे इन द लाइफ ऑफ तरबूज देखी होगी वीडियो हमारी तो आप जान जाएंगे कि हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहा है। तरबूज रिमेम्बर मी, तरबूज जितना दुखी है अभी उससे कहीं ज़्यादा दुखी मैं हूँ क्योंकि इसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया है और इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मेरे दिल को कितनी चोट पहुँची है। क्या ये तो मजाक था, मुझे पता है कि तरबूज अभी सैड है क्योंकि वो दूसरी बार रिजेक्ट हुआ है, इसीलिए ना हमारा अडॉप्शन प्रोसीजर भी इतना स्ट्रिक्ट है। तो हमें ये पूछा जाता है कि भाई आप अपने घर की वीडियोस, हमारे घर की वीडियोस क्यों मांग रहे हो, ये क्यों वो क्यों, आप बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। इतना स्ट्रिक्ट अडॉप्शन प्रोसीजर होने के बावजूद भी जब ऐसा होता है तो फिर हमें बहुत दुख होता है। हे तरबूजी, ये हमारे ब्यूटीफुल हॉर्सेस, वाह यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, और क्या चाहिए यार, ये सब रोज़ मुझे देखने को मिलता है। समटाइम्स आई फील दैट आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम। चूचू आजकल क्योंकि बरसातें हैं तो बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको अपने कमरे में ही कैद होके रहना पड़ रहा है। सॉरी चूचू, क्या करें यार, बारिश बंद करवाओगे तो तुम्हें बाहर आने को मिलेगा। सुरीली जी के लिए यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी बन गई है और इसे मच्छर ना काटे इसलिए यहाँ धुआं भी कर दिया गया है। 3 दिन पहले चड़ी से काफ आया था, 2 दिन उसकी ट्रीटमेंट चली लेकिन 2 दिन बाद वो अचानक से उसकी डेथ हो गई। इस बछड़े के केस को हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे भी लास्ट वीक शुरू कर दिया था हमने, लेकिन वो बछड़ा बीच टाइम में हमको मिला ही नहीं जिससे उसका ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हुआ और वो घाव इतना बड़ा और उसके बाद यहाँ पे जब वो आया तब तक हम उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे, वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया था। एक हमारे पास बैल और आया है, ये आया है मटोर से। इस बैल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको जो हमने रस्सी डाली थी पकड़ने के लिए ये वो तोड़कर भाग गया था और रस्सी जो है पावरफुल, मतलब इसने भी खींचा हमारे लोगों ने भी खींचा तो रस्सी कस गई थी और इसके गले में रह गई थी। फिर हम 2-3 बार गए भी और पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन इतना अग्रेसिव बैल, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया और मेन मार्केट में होने की वजह से हम उसको हर बार नाकाम रहे हैं। लास्ट हमने प्लान किया कि हम सुबह 6 बजे जाएं और जब लोग नहीं होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तब हम गए और सुबह इसको बहुत मशक्कत के बाद इसको हम पकड़ पाए हैं। डार्ट गन भी यूज़ की थी हमने इसके लिए। रविंद्र भैया ने ना सुबह सुबह डरा दिया मुझे, ये आप क्या लेके घूम रहे हो रविंद्र भैया, क्यों डरा रहे हो सबको? नहीं डरा रहे नहीं, हम हैज काट रहे हैं, वो इसको गले में लगानी है। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि हमारे फार्म पे इतने ज़बरदस्त तरीके के औजार भी हैं जो हथियार भी बन सकते हैं। आज हमारा उस्ताद रिलीज हो रहा है। उस्ताद अगर आपको याद होगा ये खोली से आया था, इसको 2 वुंड्स थे, एक तो इसको गले के ठीक नीचे मैगेट वुंड था और एक ये पेट के ठीक नीचे इसको एक मैगेट वुंड था। ये पूरी तरह से ठीक हो गया है तो ये वापस खोली में रिलीज हो रहा है। रक्षाबंधन बहुत जल्दी आ रहा है और रक्षाबंधन से पहले ही हमारी पीपल फार्म की ये हैंडमेड जो राखियाँ बनी है उसको बांधने की शुरुआत शिवानी द्वारा की गई है सुरीली को। ये हमारी फर्स्ट राखी है जो सुरीली को बांधी जा रही है क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा स्पेशल बेबी है। इसका मतलब ये भी है कि सुरीली की फुल ऑन रक्षा हम लोग पीपल फार्म पे करेंगे। यहाँ पे प्रतीक भाई है और रविंदर भाई है, दौलत राम जी है, बिंद्रेश भाई है जिनको हम कम्बुचा मैन भी बोलते हैं। ये कुछ कर रहे हैं, ये क्या है आपके पास? ये हम ब्लॉक से पेड़ लेकर आए हैं बहुत सारे, जो इको विलेज वाला हमारा साइट है वहाँ पे हम लगाएंगे। ये पेड़ है, ये एक्चुअली पेड़ों के पौधे हैं, बेसिकली सारे फ्रूट्स के हम पौधे लाए। 2 तरह के अलग आम है, लीची है, संतरा है, मौसमी, ये अमरूद है, कटहल, ये क्या है? करौंदा। करौंदा क्या होता है? फ्रूटी होगा पर बहुत खट्टा खट्टा सा रहता है। ये लाल लाल होते हैं एकदम, उसका अचार भी बनता है। गलगल, अनार, आंवला। टोटल कितने प्लांट्स हैं हमारे पास? 100 प्लांट्स हैं हमारे। 100 तो नहीं है, दिख नहीं रहे 100 मुझे। 100 ही है, एकदम आप काम करके देख सकते हैं। प्रतीक भाई ऑफेंड हो गए, कह रहे कैसे 100 है, तो है बोला है जब मैंने। मैं अभी अभी बस पुणे से आई ही हूँ और मेरे को ज्योति ने बोला कि आज लियो रिलीज हो रहा है। लियो हमीरपुर से आया था और इसके कान के पास इसे मैगेट वुंड था। अभी इसका छोटा सा वुंड बस और बचा हुआ है, जिन्होंने इसके लिए कॉल किया था वो उसको ऑइंटमेंट लगाएंगे, आज हम उसे रिलीज कर देंगे। एक बैड न्यूज ये है कि कुछ दिन पहले मकरोटी से एक
किटन आई थी हमारे पास जिसका नाम हमने शीबा रखा था। वो किटन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी, मेरे पास ही थी काफ़ी टाइम से। ये जो वेदर का फ्लक्चुएशन चल रहा है, ये जो छोटे किटन और पपीज होते हैं, ये अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं ना। दोपहर में तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम को जब मैंने उसको निकाला तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन था, उसको हाइपोथर्मिया का इशू हुआ। रात में इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी उसको सारा मिला, लेकिन वो सुबह तक सरवाइव नहीं कर पाई। एक और हमारे पास जो रेस्क्यू आया है वो एक डॉग है जो कांगड़ा से आया है। इसको गर्दन के पीछे वुंड है, ये थोड़ा अटैक मोड में है ना, तो मैं बहुत पास नहीं जा रही हूँ। पहले हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे कर रहे थे, दो से तीन दिन बाद इसको एक और घाव हुआ जो कि गर्दन पे है और पैर में भी इसको घाव हुआ। इसको के उन लोगों ने डंडे से मारा भी, से इसके पैर में थोड़ा पेन भी रह गया था। हम ये सोचते हैं कि ये डॉग अटैक क्यों कर रहा है। अगर आप इतने क्रूअल हो कि आप एक कुत्ते के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसे मार रहे हो जो ऑलरेडी दर्द में है, तो फिर तो ऐसा होगा ही ना, कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ही ना सामने से। हमारी इको विलेज वाली साइड पर जो कल हम ब्लॉक से ये पेड़ों के पौधे लेकर आए थे, वो हम अभी यहाँ पे लगाने वाले हैं। जो बड़ा पेड़ होता ना, हाँ जी, उसको यहाँ लगा दिया और एक 10 फीट की दूरी पे फिर से लगाया। इसके बीच में जो जगह बची, हाँ, उसमें छोटा पेड़ लग जाएगा। जैसे कि छोटा पेड़ होता है करौंदा है, करौंदा का ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, ठीक है, तो उसको अपन बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे जगह भी अच्छी हो जाएगी और पेड़ों को भी दिक्कत नहीं। गरिमा जो है एक नई सदस्य जो जुड़ी है हमारे साथ, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम चढ़ गया। अभी मैंने बता रही थी कि कैसे उनके बहुत फैंस है, जैसे कि मेरी मम्मी जिन्हें पीछे से पता चल जाता है अरे शाइनी बात कर रही है। हमारे पास एक छोटा सा पपी आया था टांडा से, जिसको शगुन जी लेके आए थे और वो सिर्फ 2 दिन का था। वो पपी जो मैं फॉस्टर कर रही थी, वो इतना ज्यादा कमजोर था और उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, जिसको माँ का दूध नहीं मिला था और उसके सर्वाइवल चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे लगभग। जब मैं उसको शाम को मैंने उसको सेकेंड टाइम फीड करने के लिए निकाला, तभी उसकी डेथ हो चुकी थी। रवीना शाहपुर गई थी डॉक्टर के पास, उसको पैर में फ्रैक्चर था, पर खैर स्टोरी हमारी वो नहीं है। स्टोरी ये कि जब रवीना वहाँ से लौट रही थी डॉक्टर के यहाँ से, तो उन्हें एक छोटू सा पपी मिला जो अपनी माँ के बिना था। पपी बहुत जोर से चीख रहा था, पहले वेट कर रहे थे कि इसकी मम्मी आएगी, कोई तो आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। आइसोलेशन के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने वॉलंटियर किया कि मैं इसको रख लेती हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी पारवा आउटब्रेक भी चल रहा था, तो हम सोचे थे कि स्टार्टिंग में थोड़ा आइसोलेशन के लिए अगर मिल जाए तो अच्छा है, उसके बाद तो फिर ये हमारे अडॉप्टेबल्स भी मूव हो जाएगा, सो कोई इंजरी नहीं है। एक फन फैक्ट और है कि अभी जितने भी हम लोग यहाँ पे फार्म में इन हाउस रह रहे हैं, उन सबके घर में एटलीस्ट एक एक पपी और एक एक किटन है जो फॉस्टर हो रहे हैं। ये मुरुक्कू जी की पहली मुलाकात। हम लोग सब मीडिया ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन एक मीडिया टीम की मेंबर है जो यहाँ पे बस चिल कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। से हाय टू सुरीली, यहाँ पे बहुत प्यार से आराम से बैठी हुई है। आई थिंक शी लाइक्स हर न्यू वर्क स्टेशन। यहाँ मो जी जो है ये शिवानी के लगाए हुए म्यूजिक का आनंद ले रही है और पंखे के नीचे आराम से सो रही है। वाह क्या लाइफ है। नहीं मैं आपको बता दूं कि वो पपी है जो नगरी से आई है, उसका एक्सरे अभी होना है, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे पास आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है क्लिनिक में, तो वो मेरे घर में फॉस्टर होगी। क्या हो रही है, मुझे भी कंपनी मिल गई है तो मैं पूरे दिन गिन्नी से बात करती रहती हूँ। आई थिंक मेरी बकबक सुन के थोड़ा बहुत इरिटेट भी हो जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है। इसको हमने इतने छोटे क्रेट में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये बहुत जल्दी पालमपुर जाएगी, जब हमें डेट मिलेगी फिर हमें पता चलेगा कि इसकी ट्रीटमेंट अब आगे क्या करनी है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं इसे फॉस्टर करना चाहूंगी और फिर हम इसे अडॉप्शन के लिए लिस्ट करेंगे। मैं भी रहता हूँ यहाँ से ना, मैं कल से फोन आ रहा था, एक गाय जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो लेटी हुई है। अब हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लेटी हुई गाय नहीं लेते, क्योंकि इनके सर्वाइवल चांसेस ना के बराबर होते हैं, प्लस हमारे पास डेड बॉडी डिस्पोजल का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई प्रावधान नहीं है। पर एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसका छोटा बछड़ा भी है, तो हम लोग उस बछड़े को तो फिलहाल तो ले जाएंगे, पर हमारे पास उसको अडॉप्ट करने की जगह नहीं है। ये आप अपना पेट लाए हो क्या? अच्छा, ये तो भैया अपना पेट लाए हैं इलाज के लिए। हमने कहा हम यहाँ पहुँचे, बाद में एक और केस पहले आ गया। हमने यही कहा है कि बांस पे कंबल से खड़ा करने की कोशिश करें उसको, अगर हो जाती है फिर देखते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि जैसे नॉर्मल है ना, तो हम ऐसे भी आज फिर इन्फेक्शन की वजह से जब वो कुछ हो जाता है तो फिर राधा कंसर्न वैलिड है कि भाई बछड़ा अच्छा खासा है, आप इसको क्यों ले आए हो, यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा है। चक्कर ये है वहाँ पे उसको ट्रैफिक से खतरा है, माँ इसकी लेटी हुई है, तो
तो खतरा हर जगह मैं उनको बता के लाया हूँ कि यहाँ पे इन्फेक्शन का। हाँ मैं बोलूँगी आप लाए तो आपके पास ही छोड़े, रवीना लाई तो रवीना के पास छोड़े, अब जो भी लाएगा जो मतलब ठीक है उसी के पास छोड़ा करूँगी मैं।